टीवी स्टार अविनाश सचदेव का खुलासा, बिग बॉस के मेकर्स की तरफ से उन्हें नहीं किया गया कोई अप्रोच। टेलीटॉक के साथ बातचीत के दौरान बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री पर तोड़ी चुप्पी और कहा, कोई आइडिया नहीं है, नोबडी हैज कॉल्ड मी येट। जी हाँ, बिग बॉस सीजन 14 अब अपने दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, जहां सभी घरवालों की पर्सनालिटी अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब शो में जल्द ही होने वाली है वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो घर में आकर मचाएगी धमाल। जी हाँ, सही सुना आपने, शो के मेकर्स शो को और धमाकेदार बनाने के लिए कर रहे हैं अपनी जीतोड़ कोशिश, और इसीलिए अब शो में 5 नए कंटेस्टेंट्स की होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री। हाल ही में सोशल मीडिया पर हर तरफ ऐसी रूमर्स ने बनाई सुर्खियां कि रुबीना दिलायक के एक्स बॉयफ्रेंड अविनाश सचदेव की हो सकती है बिग बॉस सीजन 14 के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री। और जब टेलीटॉक ने खुद अविनाश से की इस पर बात, तो अविनाश ने इस अफवाहों पर विराम लगाते हुए बोला कि अभी तक उनको बिग बॉस के मेकर की तरफ से इस सिलसिले में कोई कॉल नहीं आया है और ना ही कोई अप्रोच किया गया है। वेल, अब खुद अविनाश ने टेलीटॉक के साथ बातचीत के दौरान साफ कर दिया कि उन्हें कोई कॉल नहीं आया इस बात के लिए। वहीं दूसरी तरफ मीडिया में आ रही खबरों की माने तो बिग बॉस के मेकर्स ने अविनाश के सामने बिग बॉस का प्रस्ताव रखा है। वेल, अब अविनाश सचदेव के इस रूमर्स में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल अविनाश ने टेलीटॉक के साथ अपने चैट में साफ किया कि उन्हें बिग बॉस की तरफ से कोई अप्रोच नहीं किया गया है बिग बॉस के घर में एंट्री के लिए। आपको बता दे कि पॉपुलर टीवी स्टार अविनाश सचदेव और रुबीना दिलायक ने पॉपुलर सीरियल छोटी बहू के वक्त एक दूसरे को किया था डेट। दोनों की जोड़ी काफी हिट थी। हालांकि कुछ साल बाद इन दोनों के रिश्तों में आई खटास और दोनों की राहें हो गई एक दूसरे से अलग।